तो दोस्तों जैसे मैंने कहा हम हैं खोपटा, वैसे बस देख लीजिए, बस की कनेक्टिविटी भी है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वॉंडरर पाटिल में। वैसे आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि यार पनवेल में या उसके आजू बाजू के लोकेशन में अगर कुछ प्लॉट के ऑप्शन हो तो बताइए, तो ये एपिसोड आपके लिए है। हम आए हैं सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में और इनके पास बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, लोकेशन पर लेके जाऊंगा। हम हैं उनके ऑफिस में जो कि है बेलापुर में, कैप्शन में उसका एड्रेस दिया है, आप वहां पर आके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे बाकी के डिटेल्स आपको एक्चुअल साइट पे लेके जाकर आपको दिखाएंगे, तो चलिए हमारे साथ। सामने आपको सारी बिल्डिंग्स दिख रही है ना, वो है उल्वे। और अगर आप लेफ्ट की तरफ देखें और आपको जो कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा है, जो बड़ी बड़ी क्रेन्स खड़ी हुई है, वो है नवी मुंबई एयरपोर्ट। तो ये है सेकंड फ्लाईओवर। अगर आप नीचे से अगर जाएंगे ना, तो आप राइट लेकर उल्वे में एंटर करेंगे। वैसे उल्वे, वैसे लोकेशन पे जाते वक्त मैंने सोचा आपको उल्वे भी दिखा लूं, इसलिए हम उल्वे में एंटर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं उल्वे जो कुछ सालों तक एक सपना ही हुआ करता था, अब वो एक कम्प्लीटली सिटी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये कहना चाहूंगा इसे होने में लगभग 15 साल लगे, तो आपको जो मैं प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूँ उसमें भी उतना समय लग सकता है। प्रॉपर्टी का नाम है खोपटा टाउनशिप, MMRDA के वेबसाइट पर लिस्टेड है। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ आर्टिकल्स दिखा रहा हूँ, आप गूगल कर भी देख सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने कहा हमने राइट ले लिया टूवर्ड JNPT रोड, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये जो ब्रिजेस, ये है मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंक रोड। 22 किलोमीटर का रोड है जो सीधा सिवरी से कनेक्ट करेगा। दो एग्जिट है यहाँ पर, पहला जो उल्वे में एग्जिट करेगा और दूसरा ये जो हम देख रहे हैं, ये चिरले जंक्शन। तो मुंबई से आप या साउथ मुंबई से आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 से 22 मिनट में पहुँच सकते हो। तो ये होने वाली है फ्यूचर कनेक्टिविटी। अगर इस रोड के बारे में आपको अपडेट दे दूं, तो ये लास्ट पैच का काम है, एस्टिमेटेड है बाई डिसम्बर एंड ये शुरू हो जाएगा, बट और 3 महीने पकड़िए क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। और ये जो अपडेट है ये है अक्टूबर की, तो और 2 महीने डेडलाइन के लिए है, लेकिन एग्जैक्टली 2 महीने में होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और 3 महीने पकड़िए। आप अगर इस हाईवे से आ रहे JNPT हाईवे से, तो याद रखना खोपटा का एक एग्जिट है और आपको यहाँ से नीचे वाला रास्ता लेना है, ऊपर से नहीं जाना है। खोपटा वाला एग्जिट, KHOPTA, खोपटा, याद रखना। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा हम हैं खोपटा, वैसे बस देख लीजिए, बस की कनेक्टिविटी भी है यहाँ पर, खोपटा ब्रिज पर। आपको अगर हम जूम करके दिखा दे, थोड़ी विजिबिलिटी खराब है बिकॉज फॉग काफी ज्यादा है, वो है द्रोणागिरी। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने उसका भी डिटेल ब्लॉग बनाया है। द्रोणागिरी भी एक फुल फ्लेज सिटी बन चुकी है, हाँ कुछ डेवलपमेंट होना अभी भी बाकी है। वहाँ पर है नावा सेवा स्टेशन, और हमारी जो प्लॉट्स है जिन जो डेवलपर है जो मुझे दिखाने लेके आए हैं, ये हमारे वहाँ पर प्लॉट्स होंगे। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, प्राइस कंपैरिजन के लिए आपको पता चल जाएगा कि द्रोणागिरी में ना प्लॉट साइज जो होता है एक गुंटा का, उसका रेट ऑलमोस्ट चालू है 80-90 लाख पर गुंटा। गुंटे का मतलब होता है 33x33 स्क्वायर फीट। और यहाँ पर आपको वही साइज का प्लॉट आपको मिल जाएगा एट अ कॉस्ट ऑफ 3 लाख ऑनवर्ड्स। तो डिस्टेंस आप देख लीजिए, अगर आप व्हीकल से ट्रैवल करते हैं नॉट मोर देन 5 मिनट्स। लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, हाँ बिकॉज डेवलपमेंट होना थोड़ा बाकी है, तो फ्रीक्वेंसी का थोड़ा इश्यू होगा शुरुआत में, लेकिन बाद में फ्रीक्वेंसी इंप्रूव होगी बिकॉज यहाँ पे विलेजेस अवेल है और लोग यहाँ से कम्यूट करते हैं टूवर्ड्स वाशी। ये बसेस वाशी जाती है नवी मुंबई, सो दैट्स अ कनेक्टिविटी जो यहाँ पर अभी अवेलेबल है। आगे जाकर एक्चुअल प्लॉट देखते हैं, आइए। तो दोस्तों मच अवेटेड, हम एक्चुअल लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। मेरे सामने आप बोर्ड देख सकते हैं सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्टार्टिंग प्राइस फॉर द प्लॉट इज 3 लाख ऑनवर्ड्स। नीचे लिखा भी है कि 11,000 से आप बुकिंग शुरू कर सकते हो। और इस लोकेशन की खास बात जो मैंने आपको बताई थी, और भी कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। पीछे से जाने वाला है विरार अलीबाग
कॉरिडोर, यहाँ पर दो रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं। और जो यहाँ के डेवलपर है उन्होंने मुझे एक खास बात बताई कि यहाँ पर, और ये जो चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ ना ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, कि मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आएगी। लेकिन डोंट कोट मी ऑन दैट बिकॉज ये MMRTA के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। लोकेशन है कोप्टा ब्रिज, आपको क्रॉस करना है और हार्डली 1 किलोमीटर के अंदर आप लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये बेनिफिट है इस लोकेशन के। अब मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि है ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब मैं प्रॉपर्टी कहता हूँ मैं आपको बोलता हूँ प्लॉट, और मैं फ्लैट आपको कभी रेकमेंड नहीं करता। फ्लैट आपको मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर फ्लैट में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको लेने के घर में रहने के लिए फ्लैट लेना है। लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है और पैसे से काफ़ी पैसा बनाना है तो प्लॉट में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक बात, आप में होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्लॉट ले लिया और कल के कल आप बेच सकते, ये नहीं होगा। आपको 5 साल 6 साल वेट करना होगा क्योंकि डेवलपमेंट टेक्स टाइम, और उसके बाद आप वो एक्चुअली स्पाइक देखेंगे इस प्रॉपर्टी के रेट में। तो आपको अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी लेनी है तो मैं आपको नंबर दूंगा, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी अगर मैं कहूँ तो आपको यहाँ पर पानी दिख रहा होगा, ये जब वो प्लॉट बना के देंगे तो आपको प्रॉपरली इसकी लैंड फिलिंग करके आपको प्लॉट बना के देंगे। ये NA लैंड है, यानी जब आपका अग्रीमेंट होता है बाय डिफॉल्ट वो ट्रांसफर प्रोसेस में NA लिखा जाता है, बिकॉज एज पर रूल्स अब ये सारे लैंड NA बनने ही हैं। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। और दो नंबर आपको दूंगा, कॉन्टैक्ट कीजिए, साइट विजिट कीजिए, खुद देखिए। जो यहाँ के डेवलपर है जो ये सेलिंग में डील करते हैं वो आपको अपने ऑफिस से यहाँ पर लेके आएंगे, दिखाएंगे आजू बाजू की डेवलपमेंट, फिर ही आप डिसीजन लीजिए। देखिए पैसा है ना बड़ी मुश्किल से बनता है, इसलिए जब इन्वेस्ट भी करो ना तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। तो प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, मिस मत कीजिएगा। और हाँ, इस जगह पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, खरीदना ना खरीदना सेकेंडरी है, एक बार आइए विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा, फिर डिसीजन लीजिए। दोस्तों हमें दूसरी लोकेशन पर, इनके दो स्पेसिफिक लोकेशन है अंडर कोप्टा टाउनशिप, ये दूसरी लोकेशन है। बहुत सारे इनके प्लॉट्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, इन्वेंट्री फिर भी है क्योंकि लैंड पार्सल बड़ा है, तो देख लीजिए। और यहाँ अगर मैं डिस्टेंस काउंट करूँ तो शायद 2 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं होगा। विजिबिलिटी ख़राब है आज इसलिए आपको द्रोणागिरी दिखेगा नहीं, लेकिन आपको अपनी आंखों से दिख जाएगा एक नॉर्मल डे, क्योंकि पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है इस वजह से। और इस सीज़न में आपने देखा भी होगा न्यूज़ चैनल पे, थोड़ा धुंध काफ़ी ज़्यादा है, फॉग बढ़ चुका है, इसकी वजह से आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन पीछे द्रोणागिरी है। तो टाइम मत वेस्ट कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, यहाँ पर आइए देखिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ अमेजिंग है। दोस्तों आपने लैंड देख लिया, लोकेशन देख ली, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये दोनों जो भाई साहब है ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये है दत्ता दुबले और ये है सुनील राठौर, ये पूरे प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं, सेल देखते हैं, और ये अश्योर करेंगे कि आपका जो सेल ट्रांसफ़र हो, आपका जो एक्सपीरियंस हो वो अच्छा रहे। वैसे रेट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। और हाँ, ये इन्होंने मुझे 2 सैंपल पेपर्स भी दिखाए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के, जो मुझे लेजिटिमेट लगे, लीगल है। तो आप भी आइए देखिए पेपर, और ज़रूरत पड़ी एक सजेशन देना चाहूँगा, अपने लॉयर को भी पेपर दिखाइए। बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला है इसलिए कंप्लीट वेरिफिकेशन ज़रूर कीजिएगा, आपकी मेहनत की कमाई है। ये भाई साहब तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप एज अ बायर आपको भी अपना काम करना है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आई होगी, ये लोकेशन तो अच्छा है। और ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।